जितने प्रसिद्ध दोहे हमने देखे रहीम जी के, आज फिर वही रहीम के दोहे हम देखेंगे। अगला दोहा है, रहीमन छोटे नरन सो हो तो बड़ो नहीं काम, रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम मढ़ो दमामो ना बने सौ चूहे के चाम तथा देखिए रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मड़ो दमामो ना बने सौ चूहे के चाम। अर्थात छोटे लोगों से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है, सौ चूहों के चमड़े से भी एक नगाड़े को नहीं मरा जा सकता। मड़ो दमामो ना बने सौ चूहे के चाम। अपने सामर्थ्य को पहचान कर ही काम करना चाहिए। छोटे लोगों से कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, ऐसा रहीम जी यहाँ पर कहते हैं। रहीमन छोटे नरन सो हो तो बड़ो नहीं काम, अर्थात छोटे व्यक्ति ने अपना सामर्थ्य पहचान कर ही काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम बड़ा होता है, छोटा काम छोटा होता है, और जिसका जितना सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार वह काम करता है। अगर आप किसी छोटे व्यक्ति को उसके हैसियत के ऊपर का बड़ा काम करने के लिए कहे, वह काम कर लाने के लिए कहे, तो उसकी हैसियत अगर उतनी ना हो तो वह बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे मड़ो दमामो ना बड़े सौ चूहे के चाम, अगर आप किसी नगाड़े को मरने के लिए, नगाड़े को बड़ा चमड़ा जो नगाड़े को मरने के लिए लगता है, जो नगाड़े हम बजाते हैं, जो उत्सव में हम लोग नगाड़े बजाते हैं, उन नगाड़ों को मरने के लिए बड़े चमड़े की आवश्यकता होती है, किसी बड़े जानवर के चमड़े की आवश्यकता होती है। वही बड़ा काम अगर हम चूहों से लेना चाहे तो चाहे सौ चूहे भी हम मार रहे और सौ चूहों के चमड़े से भी अगर हम नगाड़ा मरना चाहे तो वह नहीं हो सकता है, क्योंकि वह उन चूहों की उतनी हैसियत नहीं होती है, वो चमड़ा उतना बड़ा नहीं होता है कि जिसके वजह से हम नगाड़ा बनाएं और नगाड़ा बनाकर बजाएं। इसलिए छोटे व्यक्ति की जो सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार छोटे ने काम करना चाहिए, बड़े व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है उसने बड़े व्यक्ति ने उस प्रकार ही काम करना चाहिए। अगला दोहा है, याते जानियो मन भयो जरी बरी भसम बनाए रहीमन जाही लगाइए सोई रुको दे जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं, दोहा है, याते जान्यो मन भयो जरी बरी भसम बनाए, रहीमन जाही लगाइए सोई रूपो दे जाए। अर्थात रहीम जिससे भी मन हृदय लगाते हैं वही दगा धोखा दे जाता है। इससे रहीम का हृदय जलकर राख हो गया है, जो ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हो उससे कौन अपना हृदय देना चाहेगा। यहाँ पर रहीम जी कहते, रहीम मतलब
एक मनुष्य, एक व्यक्ति, हम जिसे दिल लगाते हैं, हम जिसे चाहते हैं, वही मनुष्य हमें धोखा दे जाता है, क्योंकि हमें दुश्मनों से कम और मित्रों से धोखे ज़्यादा मिलते हैं, और जिससे हम दिल लगाते हैं, हम जिसको चाहते हैं, वही हमारे साथ दगाबाजी करता है, वही हमारे साथ धोखेबाजी करता है, और वह धोखेबाजी करने की वजह से हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है, जलकर खाक हो जाता है, और वह जलकर खाक होने की वजह से उसके मन में ईर्ष्या भाव आ जाता है, द्वेष आ जाता है, वह द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित हो जाता है, और उससे फिर वह ईर्ष्या से भरे मन से कौन हृदय लगाए, ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दोहा है, आगे का दोहा है, रहीमन रही वो भलो जो लो सील समुच, रहीमन भलो, रहीमन रही वो इज्जत होती है, मान सम्मान में कमी देखने पर तुरंत वहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए। अगर आप किसी के यहां पर मेहमान बनकर जाते हैं और उससे मेहमान नवाजी कराते हैं और वह दिल से आपकी मेहमान नवाजी करता है, आपको दिल से वो चाहता है, आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, तब तक आप वहां पर मन से रहिए, तब तक कोई समस्या नहीं। लेकिन ज्यादा दिन रहने पर कभी कभी मान सम्मान, कहीं कहीं पर मान सम्मान कम हो जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि अगर आपको वहां पर ऐसा लगे कि यहां पर मेरा मान सम्मान कम हो रहा है, यहां पर मेरा मान सम्मान बढ़ने की बजाय कम हो चुका है, तो वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, वहां से तुरंत प्रस्थान कर लेना चाहिए, ऐसा रहीम जी कहते हैं। अर्थात आपको कहीं पर अगर मान सम्मान मिल रहा है तो आपको वो मान सम्मान कब तक मिलेगा, कब तक मिल रहा है, ये भी परिस्थिति का ज्ञान आपको होनी चाहिए। और जब तक आपको मान सम्मान मिलता रहे तब तक अवश्य आप वहां पर टिके रहे, बने रहे, वहां पर कार्य करें, वहां पर रहे, खाए पिए। लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि मेरा मान सम्मान यहाँ से उठ चुका है, मेरी इज्जत यहाँ से कम हो चुकी है, मेरा मान सम्मान कम हो चुका है, तो हमने तुरंत वहां से प्रस्थान कर लेना चाहिए, ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और रहीम जी का इस दोहे के माध्यम से कहना ये है कि हम किसी के यहाँ पर जाते वक्त भी सोचे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, हमारा वहाँ पर तो चीज सम्मान होगा भी कि नहीं, हमारी वहाँ पर इज्जत खातिरदारी होगी कि नहीं। और अगर जाते बरोबर आपकी इज्जत खातिरदारी होती भी है, आपका सम्मान होता है, तो आप वहाँ पर अवश्य रह सकते हैं, आप वहाँ पर कुछ दिन बिता सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद अगर आपको इस बात का एहसास होने लगे कि यहाँ पर मेरा सम्मान कम होने लगा है, यहाँ पर मेरी इज्जत कम होने लगी है, और आपको वह बात महसूस होती हो कि यहाँ पर यह सम्मान कम हो चुका है, तो आप अवश्य वहाँ से समझ में आते ही
आपको उस बात का एहसास होते ही आपने वहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए, आप वहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा अरहंत जी उस दोहे के माध्यम से समझाते हैं।